मरने के बाद याद आ रहा है कोई, मरने के बाद याद आ रहा है कोई, कब्र से मिट्टी उठा रहा है कोई, ए खुदा दो पल की जिंदगी और दे दे, मेरी कब्र से उदास जा रहा है कोई। नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे हरियाणा की मंडल व्यवस्था। हरियाणा की मंडल व्यवस्था, हरियाणा राज्य के मंडल, आज की क्लास में हरियाणा के मंडल करेंगे। इस टॉपिक में से कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा में मंडल कितने हैं, कौन सा जिला हरियाणा के किस मंडल में आता है। साथियों शुरुआत करते हैं, हरियाणा में मंडलों की संख्या है भाई 6। अगर मंडलों की बात करी जाए तो हरियाणा में मंडल कितने हैं 6। हरियाणा में मंडल कितने हैं 6। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन आया था हरियाणा में मंडलों की संख्या कितनी है, 6 है। ये तो बात हो गई वर्तमान की, वर्तमान में हरियाणा में मंडल हैं 6, लेकिन एक समय ऐसा था जब हरियाणा में 6 मंडल नहीं थे। वो बात कद की है भाई, 21 फरवरी 2017 को ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा में मंडल 6 नहीं थे। 21 फरवरी 2017 से पहले की अगर बात करें तो हरियाणा में मंडल थे 4, 4 मंडल थे भाई, 4 मंडल हरियाणा में कद थे। 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा नया राज्य बना था, जब हरियाणा अस्तित्व में आया था, उस समय हरियाणा में मंडल कितने थे 4। अगर प्रश्न नु पूछ ले कि हरियाणा के गठन के समय मंडल कितने थे तो 4 थे, हरियाणा के गठन का समय मंडल थे 4। 21 फरवरी 2017 को 2 नए मंडल बनाए गए हरियाणा राज्य में, वह कौन कौन से थे। नंबर 1 करनाल और नंबर 2 फरीदाबाद। 21 फरवरी 2017 को हरियाणा में 2 नए मंडल बनाए गए, 2 नए मंडल और शामिल हो गए हरियाणा के मंडलों में, कौन कौन से, करनाल और फरीदाबाद। ठीक है जी, 21 फरवरी 2017 ने 2 मंडल और बना दिए, करनाल और फरीदाबाद। अब देख ले हाँ, मंडल कौन कौन से हैं और कौन कौन सा जिला किस मंडल में आता है। भाई हरियाणा में मंडल कितने हैं 6, मंडल हरियाणा में 6 हैं। इन 6 मंडला की याद रखने की ट्रिक बनाई है, ट्रिक के है GHAR घर, KF ट्रिक है, घर KF, घर KF, या इस तरह भी बनाया कर कई जने घर के फैन, घर के फैन, लेकिन घर KF याद रख लियो, घर KF, घर के फैन, ट्रिक है घर KF। जी, जी से है गुरुग्राम, एच, एच से है इसार, ए, ए से है अंबाला, आर, आर से है रोहतक, के से है करनाल और एफ, एफ से है फरीदाबाद। ये तो हो गए घर KF, ये हो गए 6 मंडल, हरियाणा मंडल हैं 6, 6 मंडल हो गए। अब इन मंडलों में कौन कौन से जिले शामिल हैं, इन मत क्वेश्चन पूछा जा रहे, वह देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले कौन सा है, गुरुग्राम, गुरुग्राम में कौन कौन से जिले शामिल हैं। एक तो भाई गुरुग्राम खुद हो गया, एक तो जो मंडल बनाया गया है वो जिला खुद हो गया, एक तो गुरुग्राम खुद हो गया इसके अंदर, दूसरा कौन सा है, रेवाड़ी महेंद्रगढ़, गुरुग्राम रेवाड़ी महेंद्रगढ़, गुरुग्राम रेवाड़ी महेंद्रगढ़ एक हो गया। दूसरा है इसार, इसार में कौन कौन से है, सिरसा फतेहाबाद जींद और एक खुद है इसार, एक खुद इसार है, उसके अलावा इसके नजदीक के जो है सिरसा फतेहाबाद और जींद, दो हो गए। अगला है अंबाला, अंबाला में है पंचकुला कुरुक्षेत्र यमुनानगर, एक तो खुद अंबाला हो गया, उसके अलावा पंचकुला यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। अगला देखो रोहतक, रोहतक में कौन कौन से जिले हैं, रोहतक में है भिवानी झज्जर सोनीपत और चरखी दादरी, एक तो खुद रोहतक हो गया, भिवानी झज्जर सोनीपत और चरखी दादरी, ये सारे हो गए रोहतक मंडल में। अगला मंडल देखो करनाल, करनाल में है कैथल और पानीपत, एक तो खुद करनाल हो गया और एक कैथल हो गया और एक पानीपत हो गया। अगला देख लो फरीदाबाद, फरीदाबाद में है पलवल और नूह, पलवल और नूह, फरीदाबाद खुद हो गया, पलवल हो गया और मेवात हो गया, ये हो गया हरियाणा के मंडल।
और उन मंडलों में शामिल जिले, बात सही है भाई, 6 मंडल हो गए और उनके जिले हो गए। अब ये जो बात करी थी ना अपन ने 21 फरवरी 2017 ने दो मंडल नए बनाए गए थे भाई, कौन कौन से थे, करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, इससे पहले मंडल बनाने पहले ये जिले किस मंडल में शामिल थे? 21 फरवरी 2017 में मंडल बनने से पहले करनाल और फरीदाबाद किस मंडल में शामिल थे, और इनमें जो वर्तमान में जो जिले शामिल हैं वे जिले किस मंडल में शामिल थे, वो चीज देखो। करनाल, अगर करनाल की बात करी जा तो करनाल में वर्तमान में कौन कौन से हैं, कैथल और पानीपत, एक खुद है करनाल। अगर करनाल मंडल बनने से पहले किस मंडल में शामिल था तो वो था रोहतक में, रोहतक में करनाल मंडल बनने से पहले रोहतक में शामिल था। करनाल के अंदर जो वर्तमान में जिला आता है पानीपत, वो भी रोहतक में शामिल था। करनाल के अंदर जो जिला वर्तमान में है कैथल, वो किस में शामिल था, वो अंबाला में शामिल था, पहले वो था अंबाला में। अब बात कर लें एक बार फरीदाबाद की, फरीदाबाद मंडल बनने से पहले किस मंडल में शामिल था, फरीदाबाद था भाई गुरुग्राम में शामिल, मंडल बनने से पहले फरीदाबाद गुरुग्राम में शामिल था। अब फरीदाबाद में जो जो जिले हैं, पलवल और नूह, पलवल और नूह ये दोनों भी गुड़गांव मंडल में शामिल थे। ये तो बात कर ली हमने मंडला की, ठीक है। अब एक चीज इस तरह पूछी जा कर है कि हरियाणा में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, हरियाणा में सबसे ज्यादा जिले कौन से मंडल में आते हैं, तो रोहतक मंडल जो है भाई हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, रोहतक है। क्यों है सबसे बड़ा मंडल, इसमें 1, 2, 3, 4 भिवानी, झज्जर, सोनीपत और चरखी दादरी, और एक खुद है रोहतक। रोहतक मंडल में 5 जिले शामिल हैं, रोहतक मंडल में 5 जिले शामिल हैं। इस कारण हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, रोहतक। हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल रोहतक है। हरियाणा का ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें 5 जिले शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जिले शामिल हैं, तो भी रोहतक। अब एक चीज और देखो, रोहतक में तो हो गए 5 जिले, निचला देखो करनाल है, फरीदाबाद है, इनमें कितने जिले हैं, 1, 2, 3 करनाल, कैथल, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल, नूह। करनाल और फरीदाबाद में 3-3 जिले हैं, 3 जिले और कौन से में है, गुरुग्राम में है, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। हरियाणा में ऐसे कितने मंडल हैं जिनमें 3-3 जिले शामिल हैं, तो वो है गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद, ठीक है जी। इसार, इसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, अंबाला देख लो, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। हरियाणा में ऐसे कितने मंडल हैं जिनमें 4 जिले शामिल हैं, तो ऐसे मंडल हरियाणा में 2 हैं जिसमें 4-4 जिले शामिल हैं, इसार और अंबाला। अगली बात देखो भाई, इसार मंडल की हमने बात कर ली, इसार मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं, एक तो खुद इसार हो गया, एक सिरसा हो गया, एक फतेहाबाद हो गया और एक जींद हो गया, ये चारों हो गए हिसार में, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। अगला है रोहतक, रोहतक में कौन कौन से है, रोहतक सबसे बड़ा मंडल है हरियाणा का, इसमें कौन कौन से है, रोहतक, भिवानी, दादरी, झज्जर और सोनीपत। ये जो बेल्ट होगी ये होगी भाई रोहतक मंडल की, रोहतक, भिवानी, दादरी, झज्जर और सोनीपत। अगला देखो गुरुग्राम, गुरुग्राम या बेल्ट होगी जो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, ये किस मंडल में है, ये गुरुग्राम मंडल में है। एक हो गया फरीदाबाद, या जो बेल्ट है फरीदाबाद, नूह, पलवल, फरीदाबाद, ये हो गए फरीदाबाद मंडल में। अगला देखो अंबाला, अंबाला में पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये हो गए अंबाला मंडल में। करनाल में देखो पानीपत, कैथल, करनाल, पानीपत, कैथल, करनाल, ये जिले हो गए करनाल मंडल में, ठीक है भाई, याद रह जाएंगे। इसार में, इसार में है सिरसा, फतेहाबाद, जींद और खुद इसार भाई। अगला हमने देखा रोहतक, रोहतक में भिवानी, दादरी, सोनीपत और झज्जर,
और एक खुद हो गया भाई रोहतक। अगला देखा गुरुग्राम, गुरुग्राम में है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भाई खुद हो गया एक गुरुग्राम, सही बात है। अगला है फरीदाबाद, फरीदाबाद में हो गया नूह, पलवल और एक खुद हो गया फरीदाबाद। अगला जो है वो है करनाल, करनाल में कौन कौन से हैं, पानीपत, कैथल और खुद हो गया एक करनाल, ये हो गए करनाल में। अगला देख लो भाई अंबाला, अंबाला में है पंचकुला, यमुना नगर और कुरुक्षेत्र और एक ये खुद है अंबाला। ठीक है साथियों, ये हो गया हरियाणा के मंडल और उन मंडलों में शामिल जिले। इब एक चीज और देखेंगे, ये जो मंडल है ना इनका प्रमुख क्या कहलाता है, मंडल जो है इनका प्रमुख अधिकारी कहलाया करता है आयुक्त। मंडल जो है अग्र है इनका प्रमुख अधिकारी, इनका मुखिया कहलाता है आयुक्त। हिंदी में तो आयुक्त हो गया और इंग्लिश में बोलेंगे उसने कमिश्नर। मंडल प्रमुख आयुक्त कहलाता है, मंडल चीफ कमिश्नर कहलाता है। ये जो जिले हैं, जो मंडल के अधीन जो जिले आते हैं उनका मुखिया क्या कहलाता है, उनका प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है आयुक्त। आगे उप लगा दो, उप आयुक्त, जिलों का मुखिया उपायुक्त होता है, उपायुक्त। और इंग्लिश में डिप्यूटी कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर। ठीक है, मंडल का मुखिया तो कहलाता है आयुक्त या कमिश्नर और मंडल के अधीन जो जिले होते हैं उसका मुखिया कहलाता है उपायुक्त या डिप्यूटी कमिश्नर। बोला करे ना कि तू के डीसी लाग रहा है तो वो उपायुक्त होया करे, डिप्टी कमिश्नर होया करो, डिप्यूटी कमिश्नर डीसी। नू कह आकर ना तू के डीसी लाग रहा है तो वो डीसी यो होया करे, डिप्यूटी कमिश्नर उपायुक्त। तो साथियों ये तो करे अपन हरियाणा के मंडल, हरियाणा की मंडल व्यवस्था। मंडल व्यवस्था में हमने देखा हरियाणा में 6 मंडल है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में, हरियाणा में मंडल कितने हैं, 4 हैं, 2 हैं, 6 हैं, 3 हैं। हरियाणा में मंडल है भाई 6, हरियाणा में मंडल है 6, बाकी जो जिले बच गए वह उन मंडलों के अधीन जिले हैं। हरियाणा में मंडल है 6, उन खतरापा ने ट्रिक देखी घर के एफ, घर के एफ, जी एच ए आर के एफ, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, के से करनाल और एफ से फरीदाबाद। इन मंडलों में कौन कौन से जिले शामिल हैं वो भी हमने देख लिए। 21 फरवरी 2017 को दो नए मंडल बनाए गए। 21 फरवरी 2017 को क्या हुआ, आप सब बोलोगे कि सर दो मंडल बनाए गए नए, कौन कौन से थे, करनाल और फरीदाबाद। करनाल मंडल बनने से पहले किस में शामिल था, रोहतक में शामिल था। करनाल में शामिल होने से पहले पानीपत किस में शामिल था, रोहतक में शामिल था। कैथल करनाल में शामिल होने से पहले किस में शामिल था, अंबाला मंडल में शामिल था। फरीदाबाद, फरीदाबाद मंडल बनने से पहले किस में शामिल था, गुड़गांव मंडल में शामिल था। नूह और पलवल, मेवात और पलवल फरीदाबाद मंडल में शामिल होने से पहले किस मंडल में शामिल थे, गुड़गांव मंडल में शामिल थे। साथियों ये तो करे अपन हरियाणा के मंडल, हरियाणा में मंडल है 6। आशा करता हूं आज की क्लास तुमने पसंद आई होगी। साथियों इस वीडियो ने शेयर कर दियो और मेरे चैनल ने सपोर्ट करो, मेरे चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने शेयर करो अपने साथियों के पास, अपने दोस्तों के पास। साथियों आशा करता हूं आज की वीडियो आपने पसंद आई होगी और आने वाले एग्जाम्स में आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। साथियों आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।